नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 15 सेकंड में खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेल सकती है मास्टर स्ट्रोक। देश में लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। एक और संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही मोदी सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 385 वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर में शिवराज अभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में शिवराज अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 385 वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम। संघ के प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। छत्रपति शिवाजी पर पीएम मोदी ने कहा कि साहस और वीरता के प्रतीक थे शिवाजी महाराज। आज भी उनकी नीतियां प्रासंगिक। उन्होंने की थी स्वराज की स्थापना। देश की अखंडता को रखा सर्वोच्च। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। तेलंगाना के लोगों को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। यूपी के वृंदावन के देवराहा बाबा घाट पर यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव भव्य रूप से किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। अभी भी सेना और आतंकवादियों के बीच घंटों तक चली मुठभेड़। सर्चिंग अभियान तेज। भारत दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल। प्रचंड ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल वंगूभाई पटेल। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल। महाकौशल से कांग्रेस और बीजेपी करेगी चुनावी अभियान का आगाज। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी शुरू करेंगी कांग्रेस का अभियान। 21 जून को पीएम मोदी आएंगे जबलपुर। भोपाल में पूर्व मंत्री कैलाश सारंग की जयंती पर मातृ पितृ दिवस का आयोजन। मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों की पूजा अर्चना कर उनके पैर पखारे। भोपाल में विनय सहस्त्रबुद्धे पहुंचे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। विशेष संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम। विकास तीर्थ कार्यक्रम में हुए शामिल। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी रही मौजूद। बाबा महाकाल के दरबार में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने की पूजा। बाबा महाकाल को अर्पित की सौर रुद्राक्ष की माला। दो दिन के एमपी दौरे पर इंदौर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री। सीएम शिवराज ने इंदौर एयरपोर्ट पर की आगवानी। इंदौर में सीएम शिवराज का दिखा अलग अंदाज। नेपाली टोपी पहनकर किया प्रचंड का स्वागत। बोले भारत और नेपाल के संबंध और होंगे मजबूत। छतरपुर गौरव दिवस पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। बनेगा नगर निगम छत्रसाल स्मारक बनाने का ऐलान भी। भोपाल में राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने मोदी सरकार के 9 साल की नई उपलब्धियां। बोले महंगाई का सूचकांक नहीं ऊपर। गैस सिलेंडर के दाम जरूर कुछ बढ़े, ये हम भी कर रहे महसूस। जगदलपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में भावुक हुए सीएम भूपेश बघेल। शहीद महेंद्र कर्मा को याद कर हुए इमोशनल। पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया। सीएम भूपेश बघेल ने मोहन भागवत पर निशाना साधा। संघ सांस्कृतिक संगठन भागवत ने राहुल गांधी पर दिया था बयान। जगदलपुर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में कई पार्टी कार्यकर्ताओं के पर्स हुए चोरी। कांकेर से पहुंचे कार्यकर्ता हुए मायूस। विधायक राजमन बेंजाम बोले पकड़े जाएंगे चोर। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी का निशाना। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान। बीजेपी पहले से बस्तर को समर्पित। जेसीसीजे पार्टी के विलय या गठन के सवाल पर कांग्रेस का तंज। सुशील आनंद शुक्ला का बयान। जेसीसीजे पार्टी तब थी जब अजीत जोगी जीवित थे। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का समर्थकों को पत्र। पत्र में पार्टी को लेकर इस हफ्ते फैसला लेने की बात कही।
मुंगेली में कर्मचारी संगठन की हड़ताल जारी, 20 दिनों से पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर, 3 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन।